तो जब भी हम अपने रूम का मेकओवर करते हैं या उसकी मेन फर्निशिंग चेंज करते हैं, जैसे कि काउच, बेड और डाइनिंग टेबल, तो उसके कितने सारे निकनेक होते हैं जो हमारे न्यू थीम के अकॉर्डिंगली टीम अप नहीं होते। ऐसे में हम सोचते हैं कि इनको चेंज करके दूसरा ले आएँ, लेकिन समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता कि हम बाहर जाएँ और लेके आएँ। एज करेंट सिचुएशन को देखते हुए तो पॉसिबल नहीं है कि एवरी टाइम बाहर जाया जाए, तो ऐसे में कुछ चीज़ों का मेकओवर हर घर में बैठ के भी कर सकते हैं विद मिनिमम अमाउंट एंड लिमिटेड सोर्सेज। जैसे कि मेरा ये लैम्प शेड है, ये वाइट शेड में है और ये ऐसे ही आया था मार्केट से और काफ़ी टाइम हो गया है इसे। तो इसको मुझे दो रीज़न की वजह से चेंज करना है। एक तो ये बहुत पुराना हो गया है और मैं इसको देख के बोर हो गई हूँ, और दूसरा ये अब मेरी न्यू थीम के अकॉर्डिंगली नहीं जा रहा क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने रूम का मेकओवर किया। अब ऐसे में ना बाहर जाना और जैसा मुझे चाहिए वैसा मिल पाना समटाइम्स पॉसिबल नहीं है, और ये आपके साथ भी होता होगा कि जैसा आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता और हमेशा आप बाहर भी नहीं जा पाते। तो आपके पास अगर कुछ सोर्सेज हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, उनके साथ भी आप अपनी चीज़ों का मेकओवर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, एंड जो कि एक कस्टमाइज मेकओवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने वाइट लैम्प शेड को निकाला, उसको क्लीन आउट किया। पहले ये लैम्प शेड जो था वो मेरे थीम के अकॉर्डिंग था, क्योंकि पहले जो थीम थी वो ब्लैक एंड वाइट थी, बाद में ब्लैक एंड रस्ट हो गई, तो भी उसके साथ टीम अप था। अभी जो थीम है वो एक स्प्रिंग वाइब्स की थीम है, उसके साथ भी ये जा रहा है, बट आई टोल्ड यू दैट मैं इसके साथ बोर हो गई हूँ, बहुत पुराना है ये, तो उसको मुझे रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी था, सो दैट मुझे बिल्कुल अपने रूम में न्यू लुक लगे और सब कुछ बिल्कुल न्यू लगे, कुछ भी ना पुराना ना हो। तो मैं इसको चेंज करना चाहती थी, तो उसका मैंने मेकओवर स्टार्ट किया, इसको क्लीन आउट किया। एंड आई वांट सम लीफ पैटर्न ऑन माय लैम्प शेड, उसके लिए मैंने नेट से चेकआउट किए कुछ लीफ पैटर्न्स को, काफ़ी ब्यूटीफुल लीफ पैटर्न्स हैं, एंड मुझे थोड़ा सा ना इजी गोइंग चाहिए था, दैट वो फैब इंडिया का जो लीफ पैटर्न होता है ना काफ़ी ईजी होता है एंड ब्लॉक प्रिंट्स में होता है, मैं वो चेकआउट कर रही थी, समहाउ मुझे वो नहीं मिला, देन आई रियलाइज कि वो बहुत ईजी होता है तो मैं उसको खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने सिंपली उसको पेंसिल से ड्रॉ किया। उसके लिए सबसे इजी ट्रिक होती है कि आप किसी पेपर पे उसको ड्रॉ कर लें, आपके जो भी इलस्ट्रेशन है, और उसके बाद आप उसका कटआउट निकाल सकते हैं। कटआउट को आप फॉलो करें और आपका इजीली पैटर्न जो है वो बन जाएगा सिमिलर साइज़ में, सिमिलर गैप में, जैसा भी आप चाहते हैं। तो पहले मैंने उसको लैम्प शेड पर ड्रॉ कर लिया, देन आई थॉट कि इस ट्रिक को फॉलो किया जाए, और सो दैट मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आराम से फुर्सत से बैठ जाओ, कप ऑफ टी ले लो, क्योंकि ऐसी चीज़ें थोड़ा सा यू नो टाइम लेती हैं। क्रिएटिविटी माइंड के साथ आप काम करेंगे, थोड़ा रिलैक्स माइंड के साथ आप काम करेंगे तो अच्छा निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया, थोड़ा सा हार्ड पेपर ले लिया, सो दैट मुझे उसको ब्लॉक्स प्रिंट की तरह उसको ट्रेस करने में ईजी रहेगा। जो भी इलस्ट्रेशन, जो भी इमेज आपको चाहिए आप उसको ड्रॉ कर लें और उसका कटआउट निकाल लें। वेल, यहाँ पर मुझे लीफ पैटर्न चाहिए था, तो मैंने सिंपली एक लीफ को बनाया, उसको कटआउट किया और फिर मैंने उसको ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया अपनी लैम्प शेड पर। And guys, if you are new here, then please consider subscribe my channel. For more updates, you can follow me on Instagram. That glammom16 is my Instagram handle. So please join me there. Then once you are done with your tracing, go for painting. और यहाँ पर मैं use कर रही हूँ क्राफ्ट स्मार्ट के acrylic shade, which is fabric friendly. तो यहाँ पर मुझे pink shade चाहिए और मैं यहाँ पर red and white को mix करके अपना desired shade लूँगी. Since my lamp shade is canvas material, so मुझे फैब्रिक फ्रेंडली कलर ही चाहिए था। अगर आप किसी वुडन पे या फिर प्लास्टिक पे कर रहे हैं तो भी आप इन एक्रेलिक कलर को यूज़ कर सकते हैं, ये फैब्रिक और वुडन पर भी अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका शेड है उसको आप इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली पेंट करें। अगर आप इलस्ट्रेशन को कलर करना चाहते हैं तो आप उसको आउटलाइन करें और फिर उसके अंदर कलर को फिल करें, बट मुझे यहाँ पर लीव्स को दूसरा कलर का करना है और रेस्ट ऑफ द बॉडी पिंक शेड की करनी है। As I decided my lampshade has to be in pink color, तो मैंने पूरी बॉडी को पिंक शेड किया और उसके बाद मैंने लीफ को अकॉर्डिंगली कलर किया। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन बनाने के बाद इमेज के बाहर सारा कुछ कलर किया है। बहुत ईजीली आपको करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और फटाफट से आप किसी भी जीरो नंबर के ब्रश को या फिर वन नंबर के फ्लैट ब्रश को यूज़ करके कर सकते हैं। बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि प्रिसाइज काम कर रहे हैं, तो बस दैट्स इट, बाकी इतना हार्ड नहीं होता है, ये बहुत ईजीली हो जाता है और करने में बड़ा मज़ा आता है।
तो अभी ऑल ओवर कलर का काम हो चुका है, बट स्टिल आई नीड वन मोर कोट ऑन दैट, तो मुझे इसको ओवरलैप करना होगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ड्राई आउट होने दूंगी, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है, सो इसको ओवर कोट करना बहुत नीड है। वो जैसे ड्राई आउट होगा मैं उस पर ओवर कोट करूँगी। तो ये पिंक का सेकंड कोट भी मैंने यहाँ कर दिया है। अब हम करते हैं इसकी लीव्स को फिलिंग, एंड यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन दूंगी पिंक एंड लाइट येलो का। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ येलो को व्हाइट के साथ टू गेट लाइट येलो। एट प्रेजेंट मेरे रूम की थीम डेनिम ब्लू एंड पिंक शेड में है, तो उसके साथ येलो जो है वो काफ़ी इनकलकेट होगा, इसलिए मैंने येलो चूज़ किया। आप भी अपने रूम की थीम के अकॉर्डिंगली, कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली इस तरह के मेकओवर कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत खुशी होती है करके एंड बहुत प्यारे लगते हैं। सम टाइम इस टाइप के पीसेस आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, एंड ओवर प्राइजी चीज़ बाय करने से पहले सेकंड थॉट जरूर आता है, एंड मोर ओवर अवेलेबल भी नहीं होते हैं इतनी इजीली ऑफलाइन या ऑनलाइन। सो अगर आप अपने घर की किसी भी चीज़ का मेकओवर कर सकते हैं विद लो बजट एंड लिमिटेड सोर्सेज, देन प्लीज़ गो एट। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे आप किस कलर को ऐड करना चाहते हैं, एंड सेकेंडली जो खुशी मिलेगी ना आप एक बार करके देखना, आप खुद बताओगे कि आपने जब किसी चीज़ का मेकओवर किया और जब वो आपके रूम के साथ टीम अप होगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहो तो इस पैटर्न को फॉलो करके कोई एक चीज़ का मेकओवर करना और उसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना। मुझे पर्सनली किसी भी चीज़ का रिसाइकिल करना या DIY करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूदिंग सा लगता है, मुझे बहुत काम करता है। बाय तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ का मेकओवर करो, उसको रिसाइकिल करो, उसको रीस्टाइलिंग करो। एक तो कॉस्ट सेविंग हो रही है, आप कुछ भी न्यू परचेज नहीं कर रहे हो, और अगर आप परचेस कर भी लेते हो तो आपको घर में रखने की जगह भी तो चाहिए, तो या तो पहले को डिस्कार्ड करो अगर नया लेना है तो। रूल तो यही होता है एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजिंग का भी, कि पहली चीज़ को डिस्कार्ड कर दो या वहाँ से मूव आउट कर दो, उसके बाद ही कोई नई चीज़ का एडिशन अपने घर में लगाओ। बट इस लैम्प शेड का मेकओवर करके कॉस्ट एंड स्पेस दोनों की सेविंग हो गई, विच इज़ विन विन सिचुएशन। फॉर दिस आउटलाइंस और लाइनर आई यूज़ दिस अल्कोहा मार्कर्स विच इज़ फ्रॉम Amazon। ये 48 का पैक आता है, प्लस 2 इसमें कलरलेस ब्लेंडर्स होते हैं, 48 शेड्स एंड 2 कलरलेस ब्लेंडर, सो इट कम्स इन 50 डिफरेंट शेड्स के कैटेगरीज हैं इसमें, लाइक ग्रीन के, पिंक के, ब्लू के। लाइक बच्चे जो होते हैं, यंग किड्स जो होते हैं, अगर उनको शेडिंग में दिक्कत आती है, इशूज़ होते हैं, क्योंकि यंग किड्स इतने अच्छे से शेड नहीं दे पाते हैं, तो वो उसको यूज़ करके शेड दे सकते हैं। अगर आपको ग्रीनरी में शेड देना है तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन है इसमें, ग्रास ग्रीन और लीफी ग्रीन, तो वो यूज़ करके अपने शेड दे सकते हैं। अभी एक अच्छे से ड्यूरेबल किट के साथ आता है ये, अगर किड्स को बाहर जाना है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो वो इसको कैरी कर सकते हैं इजीली। काफ़ी फ्रेंडली है, इजी टू कैरी, इजी टू यूज़ है। पेपर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वुड पे भी ये काम करता है, फैब्रिक पे मैंने आपको काम करके दिखाई दिया है। क्योंकि ये मार्कर्स हैं तो अगर आप पेपर पे यूज़ करेंगे तो उनका स्टेन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सो उसके लिए बेस्ट आइडिया होता है कि अपनी शीट के पीछे कोई रफ शीट लगा लें, सो दैट जो भी स्टेन है वो नेक्स्ट पेपर पे ना आए। And with this detailing, the lampshade is done and this is the final review of makeover. So that's all for today's video guys. अगर वीडियो पसंद आता है, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक मेरे चैनल को तो एक बार मेरे चैनल को चेकआउट कर लो, और सब्सक्राइब करने का अपना रीज़न ढूंढो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, होम डेकोर, होम ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस मिलेंगे। आपका क्या रीज़न है सब्सक्राइब करने का वो ज़रूर चेकआउट करो, मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो, दैट glammom16 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, सो प्लीज़ जॉइन मी देयर। YouTube पे वीडियो जानने से पहले मैं वहाँ पर स्नीक पिक्स डाल देती हूँ, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाली वीडियो अब इसी पर है। कुछ और भी मेकओवर वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल पे, कुछ इस टाइप के DIYs, कुछ पुरानी चीज़ों से कुछ नया क्रिएट करना, कुछ बेकार पड़ी होती हैं जो चीज़ें घर में बिल्कुल वेस्ट यूजलेस, उनसे मैं कुछ नया क्रिएट करके अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट माई चैनल। एंड गाइस, केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, घर में ही रहो, बी सेफ। मैं मिलती हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, टिल देन खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें, बाय बाय।